उत्तराखंड से भगवान राम का गहरा है नाता। यहीं श्री राम ने की थी कठिन तपस्या। एक दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम देवभूमि आए, तपस्या कर दोष से पाई मुक्ति। उत्तराखंड का ये राम मंदिर भी है बेहद खास। रावण वध के बाद भगवान राम ने यहीं की थी तपस्या। उत्तराखंड की चर्चा फिर से हो रही है क्योंकि इस पवित्र भूमि से भगवान राम का भी नाता है। इस जगह पर ही आकर भगवान राम को ऐसे ऐसे दोष से मुक्ति मिली जिन्हें उन्होंने इच्छा से नहीं बल्कि धर्म के स्थापना के लिए किया था। अधर्म का नाश कर ब्रह्मांड को एक संदेश दिया था, मर्यादा की गरिमा क्या होती है, क्या होता है नारी का स्वाभिमान, नारी की सुरक्षा के लिए क्या क्या और कौन कौन से रास्ते को अपनाना पड़ता है, रामराज क्या होता है। आज जब सबकी जुबां पर अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, देश दुनिया में राम मंदिर की गूंज हो रही है, भगवान राम के व्यक्तित्व ही ऐसा रहा। इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया और खुद को भगवान के तौर पर साबित कर दिया। यही वजह है सबके दिलों में अब राम ही बसे हैं, कण कण में राम का वास है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में कोई बिरला ही ऐसा होगा जो जानता नहीं होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है देवभूमि उत्तराखंड में भी श्री राम का प्राचीन मंदिर मौजूद है। यहीं भगवान ने रावण का वध कर तपस्या की थी। उत्तराखंड में रघुनाथ मंदिर है। यह मंदिर उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक देव प्रयाग में मौजूद है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के दर्शन करने वाले यात्री भी रघुनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और यात्रा को सफल बनाने की कामना करते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल देव प्रयाग से गंगा बनती है और उसके ठीक ऊपर रघुनाथ मंदिर मौजूद है। यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालु पहले संगम तट पर स्नान करते हैं, फिर रघुनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि नागर शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर के साथ अपना 8वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से की गई थी। इसके बाद टिहरी नरेश की ओर से इसका जीर्णोद्धार किया गया। मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर आए थे। यहां उन्होंने घोर तपस्या की थी। यहां भगवान का नाभि वाला हिस्सा है जिसे सुदर्शन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही बताया कि चारों धामों के अलावा शंकराचार्य ने 108 विश्व मूर्ति यानी ऐसे मंदिरों की स्थापना की जहां भगवान की तरफ से स्वयं स्थापित होने की मान्यता है। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे 3 मंदिर हैं जिसमें रघुनाथ मंदिर, जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर शामिल है। मान्यता है कि इन स्थानों पर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर क्षेत्र को सिद्ध किया। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 6.5 फीट ऊंची स्वयंभू मूर्ति है, लेकिन मूर्ति का श्रृंगार श्री राम के रूप में किया जाता है। देव शर्मा नामक ऋषि जिनके नाम पर क्षेत्र का नाम देव प्रयाग पड़ा, उन्हें भगवान नारायण ने दर्शन दिए थे, लेकिन वो श्री राम के रूप में दर्शन चाहते थे। इसी कारण यहां भगवान विष्णु की श्री राम के रूप में पूजा युगो युगो से की जाती है। वो कहते हैं कि मंदिर के पास ही श्री राम की तपोस्थली भी है। इसी स्थान पर राम ने तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में मौजूद रघुनाथ मंदिर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के पास मौजूद है। अगर आप देहरादून ऋषिकेश से यहां पहुंचते हैं तो ऋषिकेश से 73 किलोमीटर और चमौली रुद्रप्रयाग की ओर से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी शहर श्रीनगर गढ़वाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंच सकते हैं।